साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आपका दोस्त मुकेश नागर आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनी कटौती बताई है, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने आपसे करी है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं करीबन मैंने अनेक कटौती को देखा और उसके ऊपर रिसर्च किया। आज मैं आपसे बात करूंगा साथियों, फर्स्ट ग्रेड व्याख्या था कि कटौती जो आंसर की आ गई, आंसर की आपत्तियां भी लग चुकी है और रिजल्ट भी आने वाला है। अब रिजल्ट आपके सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में साथियों, और आप अपने रिजल्ट को और उस कटऑफ को आप मिला लेना, यही कटऑफ रहने वाली। आपको मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर ये कटऑफ नहीं रहे आप मुझे बताना, सर ये कटऑफ नहीं रहे, मतलब साथियों ये मैं दावा कर रहा हूं आपसे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देखो हर चीज एक अनुमान पर आधारित होती है, यहां पर भी मैंने एक अनुमान ही लगाया है, लेकिन बहुत कुछ इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बताने में आपको कि कितनी रह सकती है और इतनी ही क्यों रह रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा सर। साथियों आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। साथियों अगर पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मुझे आपकी फैमिली का एक मेंबर बनाइए और आप भी मेरी फैमिली का एक मेंबर बनिए। साथियों आपको मैं आज वो बात बता के जाऊंगा, अंत तक आप बने रहिए और अंत तक देखिए कि वाकई में इस बंदे में दम है और इस बंदे ने बहुत रिसर्च करी है और इस बंदे ने जो बताया है यही रहने वाला है, और क्यों रहने वाला है इसके पीछे भी मैं आप लोगों को बहुत बड़ा रीजन बताने वाला हूं। इससे ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे, इसके पीछे भी क्या रीजन है ये भी आप लोगों को पता लगेगा साथियों। और अभी आप देख लेना, कुछ दिनों बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है और आपको पता लग जाएगा कि वाकई में यार इस बंदे ने कट ऑफ बताया। तो साथियों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए साथियों। और आपको बता दूं यही रहेगी, आप विश्वास मानिए चाहे मत मानिए, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहता हूं साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं आने वाली जो भर्ती है 2023 के अंदर व्याख्याता की, हिंदी व्याख्याता की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, जिसकी भी वैकेंसी आने वाली, यहां पर पूरा हिंदी का कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं साथियों। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, पूरी पूरी यहां पर मैं आप लोगों को वो नोट्स इस छोटे से बोर्ड पर मैं देने वाला हूं। मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई टीवी पैनल दुनिया भर की चीजें नहीं है साथियों, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को वो चीज करवा के जाऊंगा, आपको बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बड़े बड़े लोग दावे करते हैं, अगर उनके नोट्स और मेरे नोट्स से आप मिला लेना आपको फर्क नजर आएगा साथियों। आपके पेपर हो चुके हैं और पेपर होने वाले हैं, उनको भी आप एक बार मैच कर लेना। अगर एक भी क्वेश्चन यहां से हिंदी का और जीके का बाहर चला जाए तो मैं गारंटी देता हूं साथियों। इसलिए विश्वास मानिए और दिल से पढ़िए और दिल से आप लोग देखिए कि वाकई में ये जो बंदा बता रहा है ये कितनी जबरदस्त बात है। साथियों ये कट ऑफ क्यों जाएगी मैं आपको बता देता हूं इसके पीछे। साथियों जनरल की कट ऑफ 295 से 300 जा रही है, मैं आपको बता दूं इतने ही मार्क्स जाएंगे, आप देख लेना साथियों। अगर इससे ज्यादा चले जाए, चैलेंज दे रहा हूं मैं आप लोगों को, विश्वास दे रहा हूं आप लोगों को, देख लेना आप लोग। अगर मैं ये ज्यादा बता रहा हूं ना, अगर किसी को ज्यादा लग रही है कि नहीं सर आप ज्यादा बता रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे भी 5 नंबर ही कम रहने वाले हैं, देख लेना आप लोग, ये ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं। मैंने कहा आपसे कि इससे भी 5 नंबर या इससे भी 5 नंबर या 3 नंबर कम रहने वाले हैं, देख लेना आप लोग, खुद देख लेना इससे भी कि ऐसा ही होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है ये मैं भी रीजन बताऊंगा इस चीज को, आप देखिए पूरा वीडियो देखिए और समझ में आएगा आपको कि वाकई में यार बंदे ने कितनी जबरदस्त बात कही है। ओबीसी की 290 से 295 कट ऑफ रहेगी, आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि यार बंदा जो है बिल्कुल एकदम अच्छी बात कर रहा है या ये सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है, तो प्लीज एक बार जो है साथियों आपसे मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है तो एक बार मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लाइक तो बनता है साथियों। देखें ईडब्ल्यूएस की 288 से 290, एमबीसी की 285 से 287, एससी की 273 से 280 और एसटी की 260 से 265, ये कट ऑफ का आंकड़ा है साथियों। इतने नंबर जिस भाई और बहन के बन रहे हैं और यहां पर आप मान लेना करीबन जो है 5 से 10 नंबर आप लोग जो है फीमेल के कम मान लेना, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये कम इसलिए नहीं बताता मैं क्योंकि फीमेल की जो है ओबीसी और जनरल या एसटीएससी कुछ भी हो अधिकतर समय पर अधिकतर टाइम पर हमेशा बराबर ही कट ऑफ रही है साथियों। इसलिए विश्वास मानिए मैं ये चीज इसलिए नहीं करता हूं
क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है मेल और फीमेल की कट ऑफ बराबर रह जाती है साथियों, लेकिन फिर भी मानिए जनरल कट ऑफ 295 से 300 से एक नंबर भी ज्यादा नहीं जाएगा, बल्कि यहां पर 295 ही मैं लास्ट बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने बोला है कि इसके अंदर अंदर यहां पर कट ऑफ रहेगी। साथियों ओबीसी की 290 से 295, ईडब्ल्यूएस की 228 से 290, एमबीसी की 285 से 287, एससी की 273 से 280, एसटी की 260 से 265। साथियों मैं आपको बता दूं जो हिंदी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो कट ऑफ आने वाली है अभी कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट आएगा और आपको यही पाओगे, देख लेना आप लोग। इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं, कम जाने के पीछे क्या रीजन है, आंसर की के बाद क्या रहा विद्यार्थियों का स्कोर, अनेक विद्यार्थियों के मैसेज देखे, अनेक विद्यार्थियों के स्कोर देखा और उसके बाद में ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई। अब तक तो मैंने हिंदी व्याख्याता की कट ऑफ बता ही नहीं, आपको बताऊं जब रिजल्ट आने वाला है तब मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि ये रहने वाली है, आप खुद देखोगे। इसके बाद में 40% का तो नियम चमत्कारी कर रहा है, ये 40% का जो नियम लगाया ना फर्स्ट पेपर के अंदर सेकेंड पेपर के अंदर साथियों ये तो बड़ा चमत्कार कर रहा है। अधिकतर स्टूडेंट के 75 में से 30 क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ये कट ऑफ बता रहा हूं मैं आप लोगों को और आप देख लेना इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं। आप कहते हो सर 350 बता रहे हैं, अरे 350 कैसे बता रहे हैं भैया, क्या पेपर आसान था इसलिए 350 बता दोगे, इधर सीटें भी तो देखो कितनी सीट है, 1462 सीट है, 1462 इतनी सीटें हैं, और आप देखो यहाँ पर 2018 में 849 पद हैं, लगभग यहाँ पर डबल पद हैं। तो आप इतना तो सोचिए यार, कैसे कह रहे हो कि 350-360 जाएगी, जबरदस्ती कह रहे हो, मतलब सोचना चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बातें नहीं है। आप एक बार अनुमान लगाओ उसमें देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो साथियों विश्वास मानिए और दिल से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, दिल से आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए दिल की बात मैंने आपको बताई है, और आपको विश्वास नहीं है साथियों तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी मेरे दिल से बात बताता हूं और दिल से ही बात करता हूं साथियों। यहां पर ये 40% का जो क्राइटेरिया ने जान खा के रह गए, इसने अनेक लोगों को जो है ना प्राण और खून सुखो के रख दिया है, इसने 30 नंबर राइट, 30 क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे साथियों वहां पर 75 में से, इसलिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है। आप सोचिए और आने वाले टाइम पर भी 8000 की व्याख्याता की वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको बता दूं, इसलिए जो बंदा ये सोच रहा है यार मेरा होगा या नहीं होगा, असमंजस की स्थिति में है, वो तैयारी करना शुरू कर दें, और आप लोगों को हिंदी व्याख्याता की पूरी तैयारी यहां पर मैं करवाऊंगा, सेकेंड पेपर की पूरी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों एक लाइक तो बनता है यार, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए साथ, मैं दिल से मेरे दिल की आवाज बता रहा हूं आपको, और भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो, ये मेरी दुआ है। और प्लीज एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने परसेंटेज और कितने मेरे नंबर बन रहे हैं, ये जरूर मुझे एक बार जरूर बताइए साथियों। पोस्ट 2018 से 2022 में बहुत ज्यादा पोस्ट है, लगभग डबल पोस्ट ही है साथियों, इस वजह से परसेंटेज ये मार्क्स जाने वाले, इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से। अभ्यर्थियों का असमंजस वाली स्थिति चल रही है, मैं सबसे बड़ी स्थिति तो यह हो गई ना इस टाइम कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं, उसी समय रीट का पेपर आ गया, अब मैं क्या करूं, बड़ी समस्या में उलझन में फंस गया था अभ्यर्थी वहां पर। लेकिन यहां पर जो सेकंड ग्रेड में पहले से लगे हुए अभ्यर्थी हैं, थर्ड ग्रेड में पहले से लगे हुए जो अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थियों ने तैयारी करी है, और किसी बाहर के अभ्यर्थी ने, जो अभ्यर्थी वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में लगे रहे, इस वजह से यहां पर ये कम स्कोर जाने वाला है, इससे ज्यादा स्कोर नहीं जाएगा, और भी आप 3 से 5 नंबर कम ही मान के चलिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, बिना कॉन्फिडेंस के साथ कभी बात नहीं करता हूं साथियों, दिल से बात कर रहा हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी नहीं कहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और यहां पर मैं पूरा कोर्स हिंदी का कराऊंगा आप लोगों को। अधिकतर सेकंड ग्रेड की तैयारी, सेकंड ग्रेड में लगे हुए अभ्यर्थियों ने अधिकतर तैयारी करी है, ये सबसे बड़ा रीजन रहा। तो मैंने आपको 3 रीजन गिनाए, एक तो 40% का क्राइटेरिया यहां पर लगा है, 40% पेपर के अंदर होना चाहिए, यह सबसे बड़ा भयंकर चमत्कार वाला क्राइटेरिया लगा है। इसके बाद में अभ्यर्थी उलझ गए सेकंड ग्रेड करूं, थर्ड ग्रेड करूं, या फिर फर्स्ट ग्रेड करो, इस अभ्यर्थी इसमें उलझ के फर्स्ट ग्रेड को छोड़कर सेकंड और थर्ड ग्रेड की तैयारी करने लग गए। तो एक तो सबसे बड़ा भयंकर क्राइटेरिया दो हो गए। साथियों तीसरी बात यहां पर ये हो गई, उसी समय रीट का पेपर आ जाता है। तीसरी बात यहां पर ये हो जाएगी साथियों, सेकंड ग्रेड के ही बंदे तैयारी कर रहे थे, बाकी अगर बंदा तैयारी नहीं कर रहा था, ये समस्या सबसे बड़ी इसमें उलझे। चौथी बात यहां पर
पेपर सिंपल आने की वजह से ज्यादा क्वेश्चन करके आए बच्चे और ज्यादा ही नेगेटिव मार्क वहां पर हो रहे हैं। ज्यादा नेगेटिव माइनस मार्किंग होने की वजह से ये समस्या सबसे बड़ी हो गई कि मैं तो इतने क्वेश्चन करके आया था और यहाँ पर आके ये सबसे बड़ी खतरनाक बात हो गई साथियों। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ साथियों, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, जो हिंदी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 2022 की कट ऑफ है वो यही रहेगी। आप देख लेना 1462 पोस्ट थी 2022 में और यहाँ पर 849 पोस्ट थी 2018 के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बात दावा करता हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल की 295 में से 300 कट ऑफ है, ओबीसी की 290 से 295, ईडब्ल्यूएस की 228 से 290 है, एमबीसी की 285 से 287 है, एससी की 263 से 280 है, एसटी की 260 से 265 है। साथियों आप लोगों को भी ये एहसास होगा कि बंदे ने जब रिजल्ट आने वाला है उस समय ही कट ऑफ क्यों निकाली है, इसके पीछे भी आपको पता लग रहा होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अब डायरेक्ट तो मैं आप लोगों से बोलूंगा नहीं, आप खुद समझदार हो इसके लिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगली न्यूज के साथ और अगली चीजों के साथ। साथियों आप लोगों को ये मैं दावा करता हूं कि यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है और ये मेरे दिल से जो निकली हुई बात है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है साथियों। तो साथियों ध्यान रखना अपना और मैं दुआ करता हूं भगवान आप सभी को सिलेक्शन दे और आप सभी की नौकरी लगे।